इस वक्त अमिताभ बच्चन सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा बुरी तरह से ट्रोल किए जा रहे हैं, और ट्रोल किए जाने की जो वजह है वो लोग ये कह रहे हैं कि अमिताभ बच्चन का जो चरित्र है ये दोहरा चरित्र है, ये जो कहते हैं वो करते नहीं और जो करते हैं उन चीजों के ऊपर अमल भी नहीं करते, आगे भी नहीं बढ़ते हैं। जिस अमिताभ बच्चन की एक्टिंग की बात होती है, एक्टिंग की दुनिया में वो बेताज बादशाह होंगे चाहे जो भी होंगे, लोग महानायक का दर्जा देते हैं, लेकिन महानायकों वाला वो काम बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं। इस वक्त अमिताभ बच्चन ट्रोल किए जा रहे हैं, और ट्रोल किए जाने की वजह ये है कि आईपीएल मैचेस के दौरान रणवीर सिंह के साथ उनका पान मसाला का विज्ञापन दिखाई पड़ रहा है, और इसी वजह से अमिताभ बच्चन को फिर से ट्रोल किया जा रहा है। क्यों किया जा रहा है वो सुनिए। पिछले साल आपने देखा कि अमिताभ बच्चन का जब पान मसाला का विज्ञापन आया था तो उसके बाद अमिताभ बच्चन की ट्रोलिंग हुई थी, बहुत सारे लोगों ने गालियां दी थी और ये कहा था कि ये महानायक होने के लायक ही नहीं है। जिस पान मसाला गुटखा को खाकर तंबाकू को खाकर इस देश की जनता कैंसर का शिकार हो रही है, न जाने कितने घर उजड़ जा रहे हैं, बेचने वाला तो करोड़ों में खेल रहा है लेकिन इसे खाने वाला लूट जा रहा है, बर्बाद हो जा रहा है, कैंसर का शिकार हो जा रहा है, उसका पूरा परिवार तबाह हो जा रहा है। क्योंकि एक बार जिसे खाने की लत लग गई ये लत जाने वाली नहीं है, ये इंसान को बर्बाद करके ही मानती है, या तो क्या जिंदगी समाप्त ही हो जाती है भाई जिसे कैंसर हो गया, और नहीं भी हुआ तो जब तक वो खाता रहेगा अपने कीमती पैसे उड़ाता रहेगा मेहनत की कमाई को। अब ऐसे ऐसे लोग हैं जो जिनकी कमाई महीने की 5,000-10,000 है, वो भी इसका सेवन करते हैं, तो आप सोच लीजिए कि कितना नुकसान कर रहे हैं। तो अमिताभ बच्चन ने ये कहा कि मुझे विज्ञापन कंपनियों ने धोखा दिया, मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था कि पान मसाला का विज्ञापन जो मैं कर रहा हूँ उसमें तंबाकू भी है, तो उन्होंने लीगल नोटिस वगैरह भी दिया। इस तरह की बात हम सभी के सामने आई। एक तंबाकू निरोधी, मतलब तंबाकू के विरोध में जो एनजीओ खड़ी रहती है, उसने भी एक लेटर लिखा और अमिताभ बच्चन को जमकर सुनाया कि आपको लोग अपना आदर्श मानते हैं और आप उन्हीं लोगों को जो आपको करोड़ों लोग फॉलो करते हैं आप उन्हें कैंसर की गर्त में डालने की कोशिश कर रहे हैं, और ये आप सीख क्या देना चाहते हैं। अमिताभ बच्चन ने माफी मांगी और कहा कि उन्हें बिल्कुल भी इसके बारे में पता नहीं था, और ये कहा कि इस विज्ञापन से वो दूरी बना लेंगे, करार तोड़ देंगे। अब क्या हुआ, करार टूटा कि नहीं टूटा, कि दूरी बनाई कि नहीं बनाई, लेकिन आईपीएल मैचेस के दौरान रणवीर सिंह के साथ अमिताभ बच्चन का ये विज्ञापन फिर से दिख रहा है, और जिसके चलते अमिताभ बच्चन बुरी तरह से ट्रोल किए जा रहे हैं, और ये कहा जा रहा है कि ये पूरी की पूरी फैमिली जो है ये दोहरे चरित्र वाली है। जब ड्रग्स की बात करो तो जया आंटी भड़क जाती हैं, थाली में छेद करने की धमकियां देने लगती हैं, लेकिन ये नहीं सोच रही हैं कि पैसे तो आपके बैंक अकाउंट में आ रहे हैं लेकिन दूसरे के बैंक अकाउंट से आप पैसे खाली करवा रहे हैं। वो लोग जो आपको फॉलो करते हैं, जो आपको भगवान मानते हैं, जो आपकी पूजा करते हैं, आपको अपना आइडल मानते हैं, लेकिन मैं यही कहूंगा कि चाहे अजय देवगन हो, अक्षय कुमार हो, अमिताभ बच्चन हो, या रणवीर सिंह हो, गोविंदा हो, सलमान खान हो, कोई भी हो, ए टू जेड, या साउथ में ही कोई कलाकार निकल कर आए, ये जितने भी लोग हैं पान मसाला का विज्ञापन करते हैं ये देश के लोगों को धोखा दे रहे हैं, अपने चाहने वालों को धोखा दे रहे हैं। आपने बहुत सारी ऐसी चीजें देखी होगी, बहुत सारे क्रिकेट के स्टार हैं, ये जितने भी आप ऐप देख रहे हैं ना जहां पर लोग 49 रुपये 50 रुपये लगा रहे हैं, जिसे जुए की लत लगा रहे हैं, ये लोग भी किसी के आइडल नहीं बन सकते। आप अच्छा मैचेस खेल सकते हैं लेकिन लोगों की गाढ़ी कमाई को आप उड़ा रहे हैं, और ये चीज लोगों को पसंद नहीं आ रही है। हालांकि कुछ लोग कहेंगे कि भाई तेरा क्या रहता है, तेरे पैसे तो नहीं लग रहे। भाई मेरे पैसे नहीं लग रहे, मुझे कोई प्रॉब्लम भी नहीं है, लेकिन आपके तो कहीं ना कहीं जा रहे हैं। आप अपने फैमिली के साथ क्या धोखा कर रहे हैं, उनके साथ तो गद्दारी कर रहे हैं ना आप, अपने बच्चों के साथ, अपनी फैमिली के साथ। ऐसे कई सारे लोग हैं जो अपने बच्चों के स्कूल की फीस तक नहीं भर पाते, दो वक्त की रोटी का गुजारा नहीं कर पाते, लेकिन शाम होते ही शराब की व्यवस्था कर लेते हैं, सिगरेट तंबाकू पान मसाला की व्यवस्था कर लेते हैं, बार वगैरह में जाने की व्यवस्था कर लेते हैं। ये सारी चीज़ें कहाँ से कर लेते हैं, लेकिन अपने बच्चों और घर की जिम्मेदारी उठाना वो सही नहीं समझते हैं। क्यों नहीं सही समझते हैं, क्योंकि ऐसे ऐसे लोग जब जिन्हें लोग अपना आइडल मानते हैं इन्हें गलत रास्ते पर झोंक रहे हैं और इन्हें बर्बाद कर रहे हैं। ये बातें बहुत ज़्यादा लोगों को बुरी लग सकती है, कड़वी लग सकती है, क्योंकि चाहे अमिताभ हों, शाहरुख हों, सलमान हों, अक्षय हों, ये जितने भी लोग हैं सब इनको फॉलो करते हैं, बहुत सारे इनके पंखा लोग हैं, फैन हैं, इनको बुरा लगता है इनके स्टार के बारे में जब आप कुछ भी बुरी बात कहते हो, लेकिन ये बुरे काम करते हैं, ये काम इन लोगों को दिखाई नहीं पड़ता है। ऐसे लोगों को अंधभक्त कहा जाता है, ऐसे लोगों को छोड़िए क्या ही कहें।